ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर टेस्ट एकदम रहेगा। देखने में देखिए क्या दिख रहा। निकलो निकलो जल्दी, अभी चिल्ली मसाला बनाने का है। फिर कितना अच्छा ग्रेवी बन गया भैया यहाँ पे, इसमें डाल देंगे। वाह कितना कलरफुल दिख रहा भैया अभी। चलो आज बनाएंगे एग चिल्ली। सबसे पहले अंडा को उबालेंगे, इसको उबालेंगे, इसको इसको उबालते नहीं भैया, इसको रख के इसको उबालेंगे। भैया पानी ले जाओ। अरे इतना छोटा लगा यार फिर क्या सोचो। बस डाल दो उसमें अंडा। अभी सीधा डाल देंगे 15 अंडा। सीधा डालो, देखो इधर उधर नहीं करना। इस तरह डाल देंगे नमक। बस तो भैया पास हो जाता, अब ढक्कन लगा के इसको अच्छा सा उबाल देंगे। चलिए अंडा को उबलने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेगा। तब तक उसके लिए कोटिंग के लिए मसाला बनाएंगे भैया। तो चलो फिर रेडी कर देंगे जब तक मसाला। चलो मसाला बनाएंगे। सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर कितना भैया? कोटिंग के लिए बनाओ। बोल देना तारा फिर। अरे क्या किया बंदा, मैं मार देता हूँ। ऐसा फिर से निकाले थे। अरे कोटिंग खाली कोट ऊपर का लाइट कोटिंग देना है। फिर बोलना था भाई। एक चम्मच बस हो जाएगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, और ये आएगा भुना हुआ जीरा का पाउडर का आधा चम्मच। अब जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर और एक आधा चम्मच गरम मसाला। ये आएगा थोड़ा सा नमक। डब्बा खाली हो गया पूरा, वो ना उतना उतना डाला तो रहता। और अब जाएगा इसमें बेसन, और ये आएगा चावल का आटा। इसको अच्छा सा मिलाएंगे अभी। मिलाओ मिलाओ, बढ़िया सा मिलाओ। पानी डालना, थोड़ा सा टमाटो का सॉस डालेंगे। अभी पानी जरूरत नहीं है भैया, रुक जाओ थोड़ा सवर करो। और ये आ गया हरी मिर्च का सॉस, ग्रीन चिली सॉस है, मिलाओ। और होना बोलो तो इसमें डालेंगे अपन विनेगर। एक एक भैया विनेगर, मसाला एकदम चटपटा रहेगा। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, अब मिलाओ। ये देखिए मसाला एकदम बढ़िया सा रेडी हो गया। 15 मिनट हो गया पुनः। यहाँ पे देखिए अंडा तो अच्छा सा क्या हुआ, क्रैक आ गया। क्रैक आ गया बोले तो अंडा अच्छा सा पक चुका है। फिर डाल दो ना इसमें। नहीं अभी नहीं, छिलका निकालना है भाई। कब निकालते कब डालते, मसाला रो रहा है यहाँ पर जब तक। क्या बन के? अरे अंडा कब आएगा बोले। चलो छिलका निकाल लेके आओ जल्दी, काट के डाल देंगे इसमें दो दो पीस करके। चलो इसको निकालेंगे। अब इस अंडा को ठंडा पानी में डाल देंगे। अभी अंडा का छिलका निकालेंगे इस तरह फटाफट से। भैया आ जाओ। अंडा का ऊपर से छिलका तो अच्छा सा निकालना हो गया। अब इसको दो दो पीस करके काट देंगे इसी तरह। जल्दी जल्दी बना। अरे ये क्या कर रहा, देखो ये नहीं यार छिलका निकाल रहे क्या है? नहीं तोता जैसा काट के रखा इसमें। ये क्या, देखो कैसा निकाल रहा, देखो अंडा ऐसा है भैया। ये क्या है? बीच में फट गया था भैया। ये मुर्गी का है पक्का? ये देखिए पूरा अंडा अच्छा सा कटिंग हो गया। और यहाँ पे तेल तो गरम कर दे रहा हूँ, अब इस पे डाल देंगे तेल। भैया तेल गरम हो गया, डाल दो भैया। अब डाल देंगे ना, देखिए अंडा को लेके इस तरह मसाला में डुबा देंगे और इसको छोड़ देंगे गरम तेल में, करेंगे बढ़िया सा डीप फ्राई। पूरा अंडा को इस तरह अच्छा सा डीप फ्राई करेंगे भैया। करेंगे करेंगे, मैं डाल दे रहा हूँ। खाली 2 मिनट होने के बाद इसको निकाल देना, देखो ठीक है। खाली 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, नहीं तो बॉम्ब जैसा फटेगा ये। अच्छा ये पर अंडा तो अच्छा सा डीप फ्राई हो गया, अभी निकाल देंगे इसको। एक ही बार आ जाना पूरा, एक ही बार आ जाता भैया, एक भी नहीं गिरना अंदर, एक भी नहीं गिरता। देख हां गया 3 उसको। निकालो निकालो जल्दी, अभी चिल्ली मसाला बनाने का है। फिर हां पूरा मसाला रेडी करो भैया। रेडी है, देखिए कितना अच्छा सा कोटिंग हो गया इसका ऊपर। अबे तो आग तो अच्छा सा रेडी हो गया, अब इसमें रख देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे इसी तेल को जिसमें अपन अंडा को डीप फ्राई करे थे। चलो अभी गर्म तो होने दो।
बस बस गर्म हो गया, गर्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे इसी तेल को। यहाँ पर देखिए तेल एकदम अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। अब इसमें जाएगा अदरक और ये आएगा लहसुन। कोना लेके आओ, कड़ी पत्ता लेके आओ जल्दी। और ढूंढते रह गए, ये डालो कुछ नहीं होता। तो डालेंगे अभी प्याज और ये आ गया देखिए हरी मिर्च। अब इसको अच्छा सा मिलाएंगे और अच्छा सा मिलाने के बाद इसमें डालेंगे करी पत्ता, वो भी सूखा वाला। हाँ सूखा वाला, क्यों सूख गया बोल के सूखा वाला बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या डाला इसमें? थोड़ा पकने दो, पकने के बाद इसमें जाएगा बाकी सारा मसाला। देखते रहे इसमें क्या क्या मसाला जाने वाला है और किस तरह बन रहा, किस तरह बनने वाला है, बनने वाला। डायलॉग को मिला रहा नहीं बन रहा है। अब डालेंगे इसमें मसाला, रुक जाओ तो फिर रुक जाओ। अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये आएगा एक आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक और ये आएगा थोड़ा सा गरम मसाला। अब मिलाओ एक बार। स्पाइसी बस है ना? स्पाइसी बस है, अभी बोलो ज़्यादा होना तो वो डाल देंगे। अच्छा थोड़ा चाहिए, चाहिए तो डालेंगे फिर और एक आधा चम्मच बस। आज खाने वाले का काम हो गया। क्या होता, कुछ नहीं होता। अभी तीन बार डाल दिया मिर्ची। और अब जाएगा इसमें देखिए शिमला मिर्च और ये देखिए ये है प्याज। इससे बनेगा जूसी कॉर्नफ्लोर वाटर है और इसको डाल देंगे इसमें। मिला 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 मिलाओ नहीं तो घट बनेगा। अभी और कुछ जाने है? अभी तो है मेन आइटम ये आ गया टमाटो सॉस। टमाटो सॉस अच्छा रहता है, डाल दो ज़्यादा नहीं खट्टा बन जाएगा फिर। और ये आ गया ग्रीन चिली सॉस, डाल दो भैया फटाफट। विनेगर कितना डालना? थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। कितना अच्छा सा ग्रेवी बन गया भैया यहाँ पे। मिला मिला थोड़ी देर मिला। अब डालेंगे इसमें ये देखिए अंडा को डीप फ्राई करके रखे थे मसाला लगा के, इसमें डाल देंगे हल्का सा मिलाओ। देखो ये तो इसका कोटिंग चला जाएगा। अच्छा इसी तरह, वाओ कितना कलरफुल दिख रहा भैया अभी। चलिए दो मिनट इस जूसी वाला ग्रेवी में इसी तरह हल्का हाथ से चलाते चलाते पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर टेस्ट एकदम रहेगा देखने में। देखिए क्या दिख रहा, बेहतरीन। ये देखिए तो अच्छा सा रेडी हो गया। अब इसको ले लेंगे प्लेट में। लेके आओ धनिया पत्ता बना। धनिया पत्ता? हाँ अभी ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ता। पुटाने का एक तरीका रहता भैया। कैसा बताऊं? बताओ मुझे। एक प्याज लेना इस तरह, उसके बाद मैं तो इस तरह ले लूंगा खाली अंडा को। एक कैप्सिकम, उसके बाद छोटा अंडा लेना है। छोटा अंडा, छोटा मुर्गी का। अरे उठाओ मैं तो खा लूंगा नहीं तो। हाँ खा लो भैया। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पूरा हवा आ रहा भैया। क्यों बात है पूरा एकदम चटपटा स्वाद है। अच्छा खत्म हो गया तुम्हारा? स्टार्ट ही नहीं हुआ भैया का, तो मेरा मुंह में से पानी आ रहा। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा हूँ ना। क्या है? कुछ तो हो गया। कैसा है बताओ, टेस्ट तो बताओ। बहुत गर्म है। गर्म गर्म टेस्ट रहेगा है, ठंडा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा फिर। मैं तो इसी तरह खाते रहूंगा पूरा। ये देखो रे कैसा कहा भाई आप, बहुत गर्म है ना। इसी तरह पूरा खाते रहेंगे और इसको करेंगे खत्म। मिलेंगे और एक जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।